ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, देश में कोरोना को लेकर जल्द ही चलाया जाएगा विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। प्रदेश में कोविड टीकाकरण के पहले चरण के लिए 4,42,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मी और अन्य लोगों ने करवाया पंजीकरण। केन्द्र सरकार ने लोगों से कोविड टीकाकरण को लेकर फैलाए जा रहे अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों ने कहा, देश में स्वीकृत कोविड का टीका अन्य देशों में विकसित किए गए किसी भी वैक्सीन के समान ही है कारगर। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश भर के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आने का पूर्वानुमान व्यक्त किया। बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ, कोविड 19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड 19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना को लेकर देश में जल्द ही विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। श्री मोदी देश में तैयार किए गए 2 कोरोना टीकों का उल्लेख करते हुए कहा कि हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं, 2-2 मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। श्री मोदी ने कहा कि देश आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है और अब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर हो। प्रदेश में कोविड टीकाकरण के पहले चरण के लिए 4,42,195 स्वास्थ्य कर्मी और अन्य लोगों ने पंजीकरण करवाया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि टीकाकरण के लिए 5-5 लोगों की टीम का गठन किया गया है जो 100-100 लोगों को टीके देगी। श्री पांडेय ने बताया कि टीकों के भंडारण के लिए राज्य स्तर पर 1, क्षेत्रीय स्तर पर 10, जिला स्तर पर 38 और प्रखंड स्तर पर 630 शीत भंडारण केंद्र की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि 65,000 टीकाकर्मी भी चिन्हित किए गए हैं जिनकी सेवा भविष्य में ली जाएगी। केंद्र सरकार ने लोगों से कोविड टीकाकरण को लेकर फैलाए जा रहे अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्रालय और वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों ने कहा है कि देश में स्वीकृत कोविड का टीका अन्य देशों में विकसित की गई किसी भी वैक्सीन के समान ही कारगर है। मंत्रालय ने कोविड के टीके से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में बार बार पूछे जाने वाले सवालों की एक श्रृंखला जारी की है। क्या कोरोना की वैक्सीन सभी को एक साथ दी जाएगी? सरकार ने उच्च जोखिम वाले समूहों को प्राथमिकता पर वैक्सीनेशन के लिए चिन्हित किया है। पहले समूह में हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर शामिल हैं। दूसरे समूह में 50 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति तथा वे लोग जो पहले से ही किसी रोग से ग्रसित हैं। इसके बाद वैक्सीन को अन्य सभी जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया जाएगा। क्या कोई व्यक्ति बिना पंजीकरण के कोरोना वैक्सीन प्राप्त कर सकता है? नहीं, कोरोना वैक्सीन के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण के बाद ही सत्र स्थल और समय की जानकारी साझा की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति स्थल पर फोटो आईडी दिखाने में असमर्थ है तो क्या उसे वैक्सीन लगाया जाएगा? फोटो आईडी पंजीकरण स्थल पर पंजीकरण और सत्यापन दोनों के लिए जरूरी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इच्छित व्यक्ति को वैक्सीन लगाया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने स्वदेशी टीका बनाने में भारतीय प्रयोगशालाओं के कार्यों की सराहना की है। वहीं दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर वेद चतुर्वेदी ने कहा है कि सरकार द्वारा स्वीकृत कोरोना वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है।
जहां तक सेफ्टी की बात है, मैं इस देश को आश्वस्त करना चाहता हूं, जो ट्रायल्स हुए हैं सभी वैक्सीन के, चारों वैक्सीन के, जो इस कंट्री में नहीं है और जो हमारे पास है, जहां तक सेफ्टी का इश्यू है, देश को घबराना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल सेफ वैक्सीन है। ट्रायल्स में इन वैक्सीन को 50% से ज्यादा इफिकेशियस माना गया है। किसी भी वैक्सीन को 50% से ज्यादा इफिकेसी है उस वैक्सीन की, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। तो ये तो करीब 60-70% इफेक्टिव है। नीति आयोग में स्वास्थ्य संबंधी मामलों के सदस्य और कोविड कार्यबल के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि देश कोविड संक्रमण को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। दो वैक्सीन का एडवेंचर होना, अधिक होना बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए, बहुत गर्व का दिन है। और जो कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई है, पेंडेमिक है, उसको अल्टीमेटली रोग के खत्म करने के लिए बहुत बड़ा कदम आज सामने है। हमें ये लेकर चलना है कि दोनों वैक्सीन में जो परमिशन मिली है, वो इमरजेंसी यूज की जो मिली है, और उसमें थोड़ा फर्क है। जो सीरम वैक्सीन को परमिशन है, उसके बारे में साधारण कंडीशन है जो कि हम इमरजेंसी यूज में लेते हैं। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.78% हो गई है। एक दिन में 430 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई, जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,48,640 हो गई है। वहीं इसी अवधि में 344 नए मामलों की पुष्टि हुई, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 2,54,278 हो गई है। एक दिन में 3 लोगों की मौत के साथ ही मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1,408 हो गया है। इधर ब्रिटेन से पिछले दिनों बिहार लौटे 7 और यात्रियों की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश भर के तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस की कमी आने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के निदेशक विवेक सिन्हा ने बताया कि अभी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर से आ रही नमी के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में यातायात को सुगम बनाने के लिए 120 नए बाईपास और फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पथ निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में ये फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने शहरों में सुलभ संपर्कता योजना के तहत बनने वाले इन बाईपास और फ्लाईओवर का निर्माण 5 सालों में पूरा करने का निर्देश दिया। इनमें से 31 संरचनाएं राष्ट्रीय राजमार्ग और 89 राजकीय उच्च पथ पर बनाई जाएंगी। प्रदेश में सूक्ष्म उद्योगों के 103 क्लस्टर चालू हो गए हैं। जिला औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना के तहत ये क्लस्टर खोले गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में उद्योग विभाग की हुई समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चिन्हित किए गए 208 क्लस्टर का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार ने जन कल्याण कार्यक्रमों और विकास योजनाओं की समीक्षा के लिए विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव और सचिवों को 10 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी है। श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव मिहिर कुमार सिंह को बेगूसराय, गृह विभाग के सचिव के सेंथिल कुमार को गोपालगंज, लघु जल संसाधन विभाग के सचिव एस के मल को मधेपुरा और पिछड़ा तथा अति पिछड़ा कल्याण विभाग के सचिव पंकज कुमार को रोहतास जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की सचिव सफीना एएन को कैमूर, शिक्षा विभाग के सचिव एसी आओ को शेखपुरा और लखीसराय, भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि को गया, वित्त विभाग के सचिव देवेश शेहरा को किशनगंज और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव बाला मुरुगंडी को मधुबनी जिले का प्रभारी सचिव बनाया गया है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन हो गया है। पूर्व विधि सचिव अखिलेश कुमार जैन बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। बोर्ड में 10 सदस्य नामित किए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से पटना उच्च न्यायालय में ये जानकारी दी गई। गौरतलब है कि न्यास बोर्ड मार्च 2016 से विघटित था, जिस पर न्यायालय ने कड़ी आपत्ति जताई थी। राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग के विशेष सचिव राहुल रंजन महिवाल को प्रोन्नति देते हुए पूर्णिया का प्रमंडलीय आयुक्त बनाया है। उनके पास कोसी प्रमंडल के आयुक्त का भी कार्यभार रहेगा। पटना और भोजपुर को जोड़ने वाले कोइलवर पुल के उत्तरी लेन पर आज से 2 फरवरी तक प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को आवागमन बंद रहेगा।
मरम्मत कार्य के कारण सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक आवागमन को बंद रखने का फैसला किया गया है। इस दौरान दक्षिणी लेन से पटना से आरा की ओर यातायात बहाल रहेगा। वहीं पटना जाने के लिए लोग नए पुल का उपयोग कर सकते हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश के 72,000 प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत विद्यालय शिक्षा समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया है। मौजूदा समितियों को 3 माह की अवधि का विस्तार दिया गया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी विभा कुमारी ने बताया कि कोरोना संकट को देखते हुए ये फैसला किया गया। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड ने मौलवी और फौकानिया की परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। दोनों ही परीक्षाएं 11 जनवरी से शुरू होकर 15 जनवरी तक चलेंगी। वहीं वस्तानिया की परीक्षा 23 जनवरी से शुरू होगी और 28 फरवरी तक चलेगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बेतिया में पिछले दिनों जाली भारतीय मुद्रा के साथ गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों के खिलाफ पटना स्थित विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया है। कटोरिया की भाजपा विधायक निक्की हेमदम मुंगेर के कल्याणपुर में सड़क हादसे की शिकार हो गयी, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गयी हैं। उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना लाया गया है। हादसे में उनके 2 अंगरक्षक भी घायल हुए। पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकिनगर थाना क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा से एसएसबी के जवानों ने लगभग 1 किलोग्राम चरस बरामद कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र के चंद्रशैली में नक्सलियों के नाम पर लेवी वसूल करने के आरोप में 6 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जहानाबाद जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी पति अमरजीत कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। भोजपुर जिले के बरहड़ा थाना में पदस्थापित दफादार विनय पांडे को ट्रैक्टर चालकों से पैसा वसूल करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने विद्यालयों के खुलने से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है 10 महीने बाद स्कूल कॉलेज हुए गुलजार, 30% बच्चे ही पहुंचे स्कूल। हिन्दुस्तान की सुर्खी है बिहार के 37 जिलों में 120 बाईपास का होगा निर्माण। प्रभात खबर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है देश में शुरू हो रहा है विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कैंपेन। दैनिक जागरण की सुर्खी है किसानों के साथ वार्ता में फिर नहीं बनी बात, अब अगले दौर की वार्ता 8 जनवरी को होगी। दैनिक आज ने लिखा है वैक्सीन की मंजूरी से घरेलू शेयर बाजार ने बनाया रिकॉर्ड। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है बेनामी संपत्ति मामले में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा देश में कोरोना को लेकर जल्द ही चलाया जाएगा विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। प्रदेश में कोविड टीकाकरण के पहले चरण के लिए 4,42,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मी और अन्य लोगों ने करवाया पंजीकरण। केंद्र सरकार ने लोगों से कोविड टीकाकरण को लेकर फैलाए जा रहे अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों ने कहा देश में स्वीकृत कोविड का टीका अन्य देशों में विकसित किए गए किसी भी वैक्सीन के समान ही है कारगर। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश भर के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आने का पूर्वानुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।